और ये अंडर 20 की 1500 मीटर, अंडर 20 1500 मीटर आपके सामने। 35 में हरियाणा जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो सकता है। अभी देखते हैं अभी देखेंगे कितना टाइम निकालते हैं ये भर्ती की तरफ, रैली की तरफ भागते हुए। पता लग जाएगा इसमें इसमें परवीन बोरा और दीपा कुशवाहा, जो कि आप एक इंस्टाग्राम पे देखे होगा, काफ़ी फेमस बंदे भाग रहे हैं। 1500 मीटर फाइनल, ये 1500 मीटर की फाइनल रेस है। कौन कितना टाइम लगता है और बिल्कुल पहला चक्कर बताएंगे कितने का गया है। अभी पहला चक्कर 57 58 1:59 का पहला चक्कर गया, बिल्कुल साथ सभी लड़के साथ में चल रहे हैं। देखते हैं कितनी फास्ट रेस जाती है ये। ऐसा लग रहा है 50 से पहले ही लगाएंगे। बंदे साथ में चल रहे हैं, साथ में साथ विकास बुरा जो कि एक बेहतरीन खिलाड़ी है। अभी देखते हैं कौन लगातार 600 मीटर होने को है। 1:28 29 30 600 बिल्कुल साथ में सभी। ये दीपा सिसवाल लैक सैंडो में, विकास बुरा जो कि एक साथ में बिल्कुल साथ साथ ले चल रही है। पता नहीं कौन बाजी मार के लेके जाएगा। और ये 700 मीटर हो चुकी है, देखते हैं 800 मीटर कितने की लगती है और अगली 700 मीटर कितने की होती है। 157 हो चुके हैं, स्लो लगने लगे हैं। अभी दीपा दूर आगे आ चुके हैं और 2:05 की पहली 800 गई है। विकास बुरा आगे लीड कर रहे हुए हैं, विकास बुरा लीड कर चुके हैं, आगे आगे रेस को आगे लीड करते हुए जा रहे हैं। उनके पीछे पीछे चल रहे हैं दीपा कुशवाहा। देखते हैं अभी किलोमीटर होने को है, 2:30 का 2:35 का किलोमीटर लगा हुआ है और ये विकास बुरा लीड करते हुए बिल्कुल लीड करते हुए और दीपा सिसवाल भी तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। दीपा सिसवाल और यहाँ से लास्ट राउंड रह जाएगा और लास्ट राउंड संकेत मिलते हुए लास्ट राउंड आ चुके हैं। विकास बुरा जो कि आगे लीड कर रहे हैं और तीसरे नंबर चौथे नंबर पर लीड कर रही हैं दीपा सिसवाल। और लास्ट के 300 मीटर बच गए हैं जो कि 3:09 का टाइम हुआ है। विकास बुरा लीड करते हुए 5 मीटर लीड करते हुए और ये लास्ट की 200 मीटर रह चुकी है और ये दीपा सिसवाल थक चुके लगता ऐसा है क्योंकि 5 नंबर पर हो चुके हैं। और ये विकास बुरा 3:35 में आखिरी 100 मीटर बिल्कुल 3:40 3 और दीपा सिसवाल 5 नंबर पे हैं और विकास बुरा ने 3:50 भी लगाई है। दीपा सिसवाल 5 नंबर पे हैं, 3:58 का आया है और ये बंदे भी बहुत ही अच्छे हैं जो कि इन्होंने अपनी रेस 4:10 के अंदर कंप्लीट करी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक अच्छी रेस देखने को मिली